आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ये सारे टॉपिक्स। इसमें ये है कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 1, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, ये है कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या होती है। स्टूडेंट्स, कॉस्ट होती है आपकी एक प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आएगी। जैसे सपोज करो एक फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है चेयर, तो चेयर को बनाने में क्या लागत आएगी। जैसे ये सामने चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, इस चेयर को प्रॉपर बनाने में क्या खर्चा आएगा। इसके जो नीचे स्टील्स की पाइप लानी है वो लाएगी कंपनी, कंपनी ऊपर की प्लास्टिक लाएगी, पहले अलग अलग चीज़ें होंगी ये सारी, फिर इसको असेंबल करेगी, तो इसको असेंबल करने में कितना खर्चा आएगा, ये होती है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। सपोज करो ये हमने जो नीचे इसके पाइपें लगी हुई हैं ये उन्होंने लाई 100 रुपये की, ऊपर वाला प्लास्टिक लाया 100 रुपये का, ठीक है। अब इसको आगे मशीन में प्रोसेस करेंगे तो मशीन में जो खर्चा आया, मशीन को चलाने का जो खर्चा आया, उसको जोड़ के इस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, वो सारा जोड़ के जो भी खर्चा निकलता है उसको बोलेंगे हम कॉस्ट, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो अमाउंट ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉस्ट, ठीक है। बाकी अगर आपने नोट्स मेरे से देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप गूगल से कर लो, आपको आसानी हो जाएगी। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगला है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग इज सिंपली द मेथड, हाँ देखो, कॉस्टिंग होता है कि आपने पहले सोचना है कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। सपोज करो जब कंपनी ने ये चेयर को मैन्युफैक्चर करने का सोचा, उससे पहले ही कंपनी ने सोच लिया था कि मेरे इतना खर्चा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये है, जैसे कि मेरी सोचो हमारी चेयर आनी है कितने की। जैसे कंपनी क्या करेगी, पहले कॉस्टिंग करेगी, फिर उसकी कॉस्ट निकलेगी फाइनल, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस होता है कॉस्टिंग का। सबसे पहले एक कंपनी वाइबल रूप में कॉपी पेन लेके क्या करेगी, कॉस्टिंग करेगी, कि अगर जैसे कंपनी ने नया ब्रांच खोल ली है कुर्सी चेयर बनाने की, चेयर को मैन्युफैक्चर करने की, तो वो क्या करेगी, वो देखेगी मुझे रॉ मटेरियल लाना है, मतलब कि प्लास्टिक लानी है, प्लास्टिक, ठीक है, वो क्या है, प्लास्टिक, रॉ मटेरियल प्लास्टिक। उसके बाद उन्होंने नीचे वाली पाइप्स लानी है, पाइप्स, ये आ गई पाइप्स, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, पाइप्स देखेगी, पाइप लानी है, फिर उसके बाद ये देखेगी कि 10 रुपये का, सपोज करो 500 की ये आ गई और 500 का ये आया, टोटल कितना हो गया, 1000 रुपये खर्चा हो गया, ये 1000 रुपये का सामान ले आए कंपनी वाले, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1000, 1000। तो ये होती है, ये अभी पेपर पेन पे किया है ना इन्होंने, तो इसको बोलेंगे कॉस्टिंग। ए सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि प्रोडक्ट बनाने से पहले का जो प्रोसीजर होता है, पहले प्रोडक्ट को बनाने से, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी आपको, लागत, इसको बोलते हैं लागत, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलेंगे हम कॉस्टिंग, डन। ये आपको इतना समझ आ गया, दैट इज़ कॉस्टिंग। आप यहाँ से देख सकते हो, कॉस्टिंग इज सिंपली द मेथड फॉर एसेटनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर बिजनेस एलिमेंट। इतना समझ आ गया, सो सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। हम कॉस्टिंग को इग्नोर मारते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया था कि अगर आपने पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, मैं समझाऊंगा नहीं, बट हाँ मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखो क्या सीन होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग,
और अकाउंटेंसी दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहला है इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना और उसको, चलो अभी तक रिकॉर्ड ही करते हैं, ठीक है। कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करना, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करना आपको पता है अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। आगे देखो, कॉस्ट को आपने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के। तो यही होता है कि पहले आप कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी से, इसमें होते हैं स्टेप्स और आपके प्रोसीजर्स, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसीजर और स्टेप्स फॉलो करके आप करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। ये होता है, पहले आप देखोगे कि क्या क्या प्रोसीजर, टेक्निक्स और स्टेप्स हैं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे, ये सीन होता है। अब ये है इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है वो टेक्निक्स और मेथड बताती है कॉस्ट करने, कॉस्टिंग कर, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग करने की, ठीक है, राइट। जो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ही नैरो होता है, छोटा स्कोप होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी का बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, ठीक है। अगला आ गया कि जहाँ पे कॉस्टिंग एंड होती है ना, वहाँ पे, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब कि ये तो वाइबल सी बात है कि जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर लोगे, कॉस्टिंग आपको समझाया कि अज्यूम कर लोगे कि इतना खर्चा आएगा, ठीक है, जब खर्चा आ गया, सपोज़ करो कॉस्ट आ गई एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, अगर आपकी कंपनी में करनी है, जैसे सपोज़ करो आपकी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है आपने, तो आप फिर करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। ये तरीका होता है। तो इसमें बोला हुआ है कि इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब कि सबसे पहले तो प्रोसीजर पते होने चाहिए ना, इसमें सीन हुआ कि हमें प्रोसीजर पते होने चाहिए। जब तक प्रोसीजर नहीं पता होंगे तब तक हम कॉस्टिंग कैसे करेंगे, और जब तक कॉस्टिंग नहीं करेंगे तब तक कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करेंगे भाई, ये सीन होता है, ठीक है। पहले आ गया अकाउंटेंसी नंबर वन, फिर हम करेंगे कॉस्टिंग, फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी नंबर टू, फिर ये आ गया नंबर थ्री, ऐसे होता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगला इतना समझ आ गया, इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। आपके पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट क्लर्क, जो कॉस्ट के क्लर्क होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, सिंपल, इतना समझ आ गया। अगला टॉपिक हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन इस टॉपिक को गो थ्रू करने से पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो क्या करती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है कंपनी की, आपकी कंपनी कैसी फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है, ठीक है, पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म कर रही है, कर रही थी, और अभी कितना, क्या कैसा परफॉर्म कर रही है, ये आपको बताती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपको आपके कॉस्ट के रिलेटेड डेटा बताती है, जैसे आपका कितना खर्चा हुआ या होगा आगे फ्यूचर में, ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होगा वो सब बताती है आपकी ये कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। अगला आ गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट क्लासीफाई रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मॉनेटरी टर्म्स में डेटा को प्रेजेंट करेगी, ठीक है, और डेटा को इंटरप्रेट, मतलब बताएगी, ठीक है। अगला आया कॉस्ट अकाउंटिंग, इट क्लासीफाई कॉस्ट रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इन अ सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में, एक सिग्निफिकेंट मैनर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा बताएगी, ठीक है, ये मॉनिटरी टर्म्स में, ये पैसों के टर्म्स में बताएगी, और ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही प्रॉपर वे से आपको बताएगी, ये बताएगी तो ये भी पैसों के वे में, लेकिन एक सिग्निफिकेंट वे से, ठीक है।
अगला आ गया इट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये पुराना डेटा रिकॉर्ड करती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग पुराना डेटा तो रिकॉर्ड करती है, साथ में जो आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, जो आपका कॉस्ट लगने वाला है प्री डिटरमाइंड, मतलब जैसे आपने जब कॉस्टिंग की तब आपको पता लगा कि अच्छा मेरा कॉस्ट 200 रुपया लगेगा और मेरा पिछला कॉस्ट 400 रुपया लगा था, तो आपको ये सारी डेटा का इंफॉर्मेशन देती है। इट मेक यूज़ ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, सिंपल। अगला आ गया यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट और शेयर होल्डर। अच्छा, इसमें यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूज़र होते हैं वो कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, ठीक है, एनालिस्ट होते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो ज़्यादा या तो इंटरनल यूज़र के लिए होती है, या कुछ कंपनीज में हम गवर्नमेंट को या टैक्स अथॉरिटीज़ को हम ये डेटा प्रेजेंट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, राइट। अच्छा, अगला है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो प्रॉफिट या लॉस बताती है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो रहा है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कॉस्ट के रिलेटेड डेटा बताती है कि कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है एक प्रोडक्ट पे या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। अगला है टाइम पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ ईयर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो पूरे साल के लिए प्रिपेयर की जाती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है जब जो तो तब प्रिपेयर की जाती है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटेंट बनाई जाती है, राइट। अब हम वापस आते हैं, लिमिटेशन हम पढ़ रहे थे ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूँगा, ओके कंटिन्यू। ये है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव्स डजंट गिव डिटेल कॉस्ट। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, क्या क्या कमियां रह गई हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है, क्या क्या पूरी करने वाली चीज़ें हैं। इसमें ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना कभी भी आपको कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो ऊपर से आपको डेटा देगा कि अच्छा पूरी कंपनी का डेटा देगा, वो प्रॉपर डिटेल में जाके कॉस्ट का डेटा नहीं निकालेगा, ठीक है। अगला आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट प्रोवाइड एनी कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना, जैसे सोचो आपका कोई मशीन या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल करना, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो चीज़ आपको बताएगा नहीं कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सब कुछ बताएगी, ठीक है। अगला आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉस इनकर्ड। सोचो आप किसी प्रोडक्ट पे लॉस खाई जा रहे हो, जैसे आपकी कॉस्ट ज़्यादा है बनने में और आपका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन कम है, तो आप लॉस खाई जा रहे हो। ये चीज़ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ड्रॉबैक, कि वो ना आपको लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि आपको लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट का डेटा देखती है, प्री डिटरमाइंड डेटा से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पास्ट का डेटा देखेगी, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट असिस्ट डिसीजन मेकिंग। मतलब आगे मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उसमें हेल्पफुल नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। अगला है डजंट सेग्रीगेट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को एक एक टाइप में डिवाइड नहीं करके रखता। जैसे सोचो आपकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट एक आपकी, देखो जैसे कुर्सी की एग्जांपल ली थी, कॉस्ट आपकी प्लास्टिक की भी आ रही है और आपकी जो पाइप है नीचे स्टील वाली पाइप की भी कॉस्ट आ रही है, दो कॉस्ट आ रही है ना आपकी। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटा लिखा जाएगा ना तो आपका पता है क्या लिखा जाएगा कि कॉस्ट, बस कॉस्ट 500 इसकी टोटल हो गया 1000, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1000। ये नहीं लिखा जाएगा कि यहाँ पे प्लास्टिक और स्टील की बकरी है ना, इसमें लिखा जाएगा बस कॉस्ट लगी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये, बस दैट्स इट, इतना लिखा जाएगा। मतलब सेग्रीगेट नहीं किया होता कॉस्ट को कि प्लास्टिक कितनी लगे, स्टील कितनी लगे, ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन कैसे और कब हुआ, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक अकाउंटिंग की ब्रांच है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्रीज होती रही,
ठीक है। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतनी पावरफुल नहीं है, वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होती रही इसकी अवेयरनेस, ठीक है। पहले पहले क्या होता था कि फैमिलीज़ अपने खर्चा, अपना घर चलाने के लिए वो प्रोडक्शन करती थी और घर चलाती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैमिलीज़ कंपनी बनने लगी और कंपनियाँ प्रोडक्शन करके कमर्शलाइज होने लगी, मतलब कमर्शलाइज इन द सेंस आगे बेचने लगे अपने सामान को, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ने लगा, प्रोड्यूसर को लगा कि अच्छा यार मेरा खर्चा हो रहा, मुझे पता नहीं लग रहा कि कितना खर्चा हो रहा है एक प्रोडक्ट बनाने पे, जहाँ गेहूँ कुछ किलो गेहूँ उगाने पे मेरा कितना खर्चा हो रहा वो मुझे पता नहीं लग रहा। तो इन्होंने नए नए तरीके इन्वेंट किए वो अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए। सो तभी से कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट बताती थी कि क्या कॉस्ट आएगी आपकी, ए सेट मतलब कॉस्ट को बताती थी कि क्या कॉस्ट आएगी आपकी फ्यूचर में। लेकिन अभी कॉस्ट अकाउंटिंग इतनी एडवांस हो गई है कि आपको प्रिवेंट करने के तरीके भी बताती है कि कैसे आप अपनी कॉस्ट को प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस और लिमिटेशन एक कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या लिमिटेशन और एडवांटेजेस हैं ये है। तो इसमें है, पहला एडवांटेज है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजमेंट को। जैसे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताया था कि हेल्प नहीं करती मैनेजमेंट को, नहीं कर पाती, ठीक है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को हेल्प करती है अच्छे प्रोडक्ट बनाने में, अच्छे से कॉस्ट को यूटिलाइज करने, राइट। अगला है कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ गलत बोला, कॉस्ट को कम करने में। अगला है कॉस्ट को फॉरकास्ट करने में, मतलब कॉस्ट को जानने में कि कितनी कॉस्ट लगी। अगला है प्रिपरेशन करने में फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करने में, मतलब जो अकाउंटिंग जो अकाउंट्स बनाने हैं हमने उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। अगला है जो फ्रॉड होते हैं ना कंपनी में वो पता लग जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। जैसे सोचो अभी ये चेयर थी, अभी चेयर पीछे से 200 की 500 की आ रही है, तो कई बीच में एम्प्लॉयज़ क्या करते थे कि 600 की बताते थे और बोलते थे कि 600 की आई है, लेकिन नहीं, अब कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लग जाता है कि पीछे से 500 की आ रही है तो हमें 600 की कैसे पड़ रही है। मतलब ऐसे होता है कि कई कई एम्प्लॉयज़ ना कभी कभी बीच में कुछ कर देते हैं, कपला कर देंगे कि नहीं सर 600 की आएगी या कुछ भी ऐसे। तो वैसे ही फ्रॉड्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अगला है हेल्प द गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को, सरकार को, राइट। अगला है इसका लिमिटेशन, जो पास्ट की परफॉर्मेंस है वही रिकॉर्ड हो सकती है सिर्फ, ठीक है। कॉस्ट हर साल चेंज होती है, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि कॉस्ट हर साल चेंज होगी, हर साल नया कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, नए तरीके से करनी पड़ेगी, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये सीन होगा। अगला है प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, मतलब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर सेटअप होना चाहिए हमारे पास, सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ये सीन है। अगला है एक्सपर्टीज़ चाहिए, मतलब ऐसे कोई जना खाना कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकता, प्रॉपर जिसको फील्ड में नॉलेज है वो ही इसको प्रिपेयर कर सकता है, राइट। अगला है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगला है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन करना थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा कॉस्टली होता है मेंटेन करना, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट क्या होती है। देखो कॉस्ट सेंटर क्या होती है, कॉस्ट सेंटर एक स्पेसिफिक एरिया होता है विद इन अ कंपनी वेयर कॉस्ट बी ट्रैक्ड और मेजर, ठीक है। देखो आपको सिंपल भाषा में पहले कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर समझो, सबसे पहले सुनो कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, आपकी जैसे एक कंपनी है, कंपनी आपकी मैंने बताया चेयर बनाती है, आज चेयर को नहीं छोड़ेंगे हम, तो चेयर बनाती है आपकी कंपनी।
आपकी कंपनी चेयर बनाती है। अब चेयर में क्या सीन है कि एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। जो कॉस्ट सेंटर होता ना, कॉस्ट सेंटर एक पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा बताता है, डिपार्टमेंट वाइज खर्चा, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्सपेंस बताता है एक कॉस्ट सेंटर। जबकि कॉस्ट जो यूनिट होगी ना, वो बताएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे स्टील की पाइप आई और हमारा ये प्लास्टिक आया, ये बताएगी कॉस्ट यूनिट, एक एक यूनिट बताएगी कि एक एक यूनिट हमारी कॉस्ट लग रही है। जबकि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एक प्रोडक्शन स्पेसिफिक होता है, एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है, राइट, मतलब मेरा ये कहने का है। अगला है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कॉस्ट यूनिट इज स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कॉस्ट कैन बी ट्रैक्ड ऑन मेजर, ठीक है, सिंपल, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझने की जरूरत नहीं है। जो कॉस्ट सेंटर होता है ना, उसका एक बहुत ही बड़ा स्कोप होता है, एक वाइडर स्कोप होता है, जबकि कॉस्ट यूनिट का एक नैरो स्कोप होता है, ठीक है, कॉस्ट यूनिट का छोटा स्कोप होता है। अगला है, जो कॉस्ट सेंटर होता है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द कॉस्ट इनकर्ड बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और रीजन। जो कॉस्ट सेंटर होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बताने के लिए काम आता है। अगला है, कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई एंड ट्रेस कॉस्ट इनकर्ड बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पे कॉस्ट लग रही है, जैसे ये चेयर बनाने पे जो कॉस्ट लग रही है उसका खर्चा, ठीक है। जो कॉस्ट सेंटर होता ना, ये इट डज नॉट नेसेसरली हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द रेवेन्यू जनरेटेड। जो रेवेन्यू आ रहा है उसके साथ डायरेक्ट इसका कोई मसला नहीं है, मतलब कि इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, जबकि कॉस्ट यूनिट का बड़ा मसला है। जैसे कि एक चेयर पे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, एक चेयर पे हमारी 1000 रुपया कॉस्ट लग रही है, ठीक है, ये हम कॉस्ट यूनिट से पता कर पाए। अब इस कॉस्ट को रिड्यूस करना है एक यूनिट पे तो 500 तक लेके जाना है, तो ये भी कॉस्ट यूनिट से ही हो पाएगा ना, ठीक है, ये कॉस्ट सेंटर से तो नहीं हो पाएगा, कॉस्ट सेंटर तो पूरे डिपार्टमेंट का बताएगा, ठीक है, वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि मतलब अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होगा नहीं होगा, इंक्रीज होगा, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट को कम करने में बेनिफिशियल होता है कॉस्ट यूनिट और रेवेन्यू को इंक्रीज करने में होता है कॉस्ट यूनिट, सेम, तो वही है कि जो कॉस्ट यूनिट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रेवेन्यू जनरेटेड से, मतलब जो रेवेन्यू आ रहा है वो कॉस्ट यूनिट की वजह से आ रहा है, ठीक है। अगला है नंबर, देयर कैन बी मैनी कॉस्ट सेंटर इवन इफ वन प्रोडक्ट सर्विस इज ऑफर्ड। बहुत सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं, आपको बता दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह बहुत सारे होते हैं। कॉस्ट यूनिट में क्या होता है, डिफरेंट यूनिट कॉस्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस, हर एक प्रोडक्ट और सर्विस की अलग अलग कॉस्ट होगी, ठीक है। अगला है ए सेटलमेंट, इट इज डिटरमाइंड बाय द आइडिया क्रिएशन साइज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। जो कॉस्ट सेंटर होता है वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। अगला है कॉस्ट यूनिट, इट इज डिटरमाइंड बाय द आइडिया ऑफ कॉस्ट रिजल्ट एंड करंट एक्सचेंज रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब आपका एक चेयर में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट यूनिट डिपेंड करती है, ठीक है। अगला है सीक्वेंस, पहले कॉस्ट सेंटर आता है, फिर आपका कॉस्ट यूनिट आता है, पहले आपका डिपार्टमेंट में खर्चा निकलेगा, फिर डिपार्टमेंट में से खर्चे में से पता लगेगा, फिर कॉस्ट यूनिट में खर्चा निकालोगे आप।
अगला आएगा एग्जांपल क्या होगी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये मैंने पहले एग्जांपल दे दी। आगे आ गया इसमें कि एक प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, लेबर पे या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे, ये होता है इसका, ठीक है। अगला आ जाता है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। कॉस्ट के सबसे पहले चार एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और ओवरहेड। मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं, जब आपकी कॉस्ट लगेगी, जब आपकी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट किस किस में लग सकती है आपकी एक कंपनी, सोचो आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में कॉस्ट किस किस चीज़ों पे लगेगी। आपकी कंपनी चेयर मैन्युफैक्चर करती है, आपका रॉ मटेरियल पे कॉस्ट लगेगी। पहला आ गया मटेरियल, ठीक है। अब आप खुद तो बनाओगे नहीं इसको, आप रखोगे लेबर। अगला आ गया आपका लेबर, लेबर पे आपकी कॉस्ट लगेगी। अब लेबर इसको ऐसे जोर थोड़ी देगी, एकदम थोड़ी जोर देगी, उसके लिए मशीनें होंगी, तो वो हो गया एक्सपेंस। उसके बाद मशीनों के बाद इसमें जोड़ने के लिए आप ध्यान से देखोगे तो ग्लू लगाई हुई है यहाँ पे, या एल्फी जो भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई खर्चा करोगे, उसको बोलोगे आप ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है, सिंपल। क्या बोला मैंने, कॉस्ट आपकी किन किन चीज़ों पे लगती है, मटेरियल पे लगती है, मटेरियल लाना है आपने, आप खुद बनाओगे नहीं, लेबर पे लगेगी। आपका खर्चा होगा इसको जोड़ने का, एक्सपेंस होगा। आपका कोई और ऊपर से खर्चा हुआ, उसको बोलेंगे ओवरहेड। इनको एक्सप्लेन करता हूँ पूरे डिटेल, सुनो। ये है भाई आपका मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब ये भी दो दो टाइप के हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। ओवरहेड में चार टाइप हैं, चारों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरहेड मतलब ऊपर से जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन का एक्सपेंस हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये चीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है भाई। देखो भाई, डायरेक्ट मटेरियल होता है, देयर मटेरियल डायरेक्टली एंटर द प्रोडक्शन एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, सॉरी, दिस मटेरियल डायरेक्टली एंटर द प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कि जो मटेरियल डायरेक्टली एंटर हुआ, ये अंदर आया और फिनिश्ड गुड बन गया, फिनिश्ड गुड बन गया, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। जैसे आपने एक मकान बनाना है, आप क्या लाओगे, ब्रिक्स, ब्रिक्स होती हैं ईंटें, आप ईंटें लाओगे और बिल्डिंग खड़ी करोगे, बिल्डिंग आई तो ईंटें आई तो बिल्डिंग बन गई, सिंपल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। जहाँ रॉ मटेरियल हो गया आपका, मटेरियल कुछ खरीदा है, जैसे बुक बाइंड करनी है, बुक को गत जिलते चढ़ानी है, ठीक है, ग्लू चाहिए, सिंपल। अगला आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो डायरेक्टली आपके रिलेटेड नहीं होता लेकिन खर्चा होता है। जैसे आपको मशीनें चलानी है तो उसके लिए आपको डीजल चाहिए, तो हाई स्पीड डीजल फॉर पावर जनरेटर, ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में काम आए, ठीक है। अगला है डायरेक्ट लेबर, जो लेबर आपकी फुल टाइम, जो लेबर फुल टाइम आपका प्रोडक्ट बना रही है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, जो फुल टाइम एक प्रोडक्ट, जो पूरे टाइम एक चेयर को बना रही है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। जबकि इनडायरेक्ट लेबर वो होगी, जैसे देखो आपके वर्कर काम कर रहे हैं, आप ऐसे थोड़ी छोड़ोगे, कोई सुपरवाइजर रखोगे उनको ऊपर,
ठीक है, तो वो जो सुपरवाइज़र चेक करने आएगा इनको, वो होगा इंटरेक्ट लेवल में, सुपरवाइज़र हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर हो गया, जो आ रहा है आपका चेक करने लेबर्स को, ठीक है, वो हो गया इंटरेक्ट लेबर में। अगला आ गया एक्सपेंस में। एक्सपेंस आप सोचोगे यार सारे खर्चे तो हो गए, एक्सपेंस कौन सा बचा, आपको मैं बताता हूँ एक्सपेंस कौन सा बचा। आपके टैक्स नहीं लगते क्या? लगते हैं ना, तो वही होते हैं एक्सपेंस में। जी आगे जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चे बचे ना, उनको बोलते हैं एक्सपेंस। इसमें आता है एक्साइज ड्यूटी, मेंटेनेंस चार्जेस, प्लांट और मशीनरी के खर्चे, ठीक है। अगले आगे पैकिंग के चार्जेस, ये भी होते हैं एक्सपेंस, आपके खर्चे हुए ना। अब आता है ओवरहेड। ओवरहेड होता है कोई सिर के ऊपर से खर्चे, कोई जैसे कंपनी में ना बहुत सारे टाइप के खर्चे होते हैं, ये तो कुछ खर्चे हैं, इनके अलावा भी और बहुत खर्चे होते हैं। ओवरहेड खर्चे वो होते हैं कंप्राइज ऑल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर और इन कनेक्शन विद जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल और पार्ट एंड इंक्लूड द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की मेंटेनेंस में जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। जो चीज़ आपको कमा के दे रही है उसमें खर्चे तो होंगे, ठीक है। पहला खर्चा आता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो ऊपर से सर के ऊपर खर्चे होते हैं वो, ठीक है, ओवरहेड ये समझ लो सर के ऊपर जो खर्चे हुए मैन्युफैक्चरिंग वो। ये भी एक टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगी आपको मशीनरी की, ठीक है, जहाँ आपने इंश्योरेंस भरा, ठीक है, जहाँ किसी फ्लोटिंग एसेट पे फ्लोटिंग एसेट पड़े हुए हैं आपकी कंपनी में, जैसे फिनिश्ड गुड पड़े हुए हैं आपके पास, मतलब सामान बना हुआ पड़ा हुआ है लेकिन बिक नहीं रहा, उनको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। अगला आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे होते हैं जैसे कि जनरल ऑफिस को चलाने में जो खर्चे होते हैं, मैंने यहाँ पे लाइटें लगाई हैं अपने ऑफिस में, यहाँ पे टेबल रखे हुए हैं, फ्रिज रखा हुआ है अपने ऑफिस में, तो ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। मेरे बिजली का बिल तो आएगा आएगा महीने के बाद, ठीक है ना, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अगला आता है मेरा सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में आता है दिस रेफर टू इंटरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज़ एक्सपेंस इनकर टू एंगेज कस्टमर। देखो कभी भी सेलिंग करनी है तो सेलिंग ऐसे थोड़ी ओए तू मेरा प्रोडक्ट ले लो, ऐसे थोड़ी सेलिंग होती है सर, आपकी प्रॉपर एक्सपेंस करके जब आप कस्टमर को, कस्टमर के सामने चीज़ पड़ी होगी, कस्टमर देखता रहेगा देखता रहेगा, वो चीज़ें होती हैं। जैसे कस्टमर, जैसे अभी मुझे एक कंपनी ने ना ये फ्री का एसोचैम से गिफ्ट मिला, क्यों, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि आप हमारे कस्टमर हो, ठीक है, राइट। तो ये होता है सेलिंग एक्सपेंस, राइट। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रखा कंपनी में, लेबर के चार्जेस दिए, अब आगे क्या, स्टोर में पड़ा हुआ प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट दुकानों पे देना है, जगह जगह पे देना है, तो वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ये आते हैं जैसे वेयर हाउस का एक्सपेंस हो गया आपका, जहाँ आपकी एजेंट्स की कमीशन होगी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। वेयर हाउस में सामान रखोगे खर्चा होगा, रेंट हो आएगा उसका अपना होगा, ठीक है, स्टाफ की सैलरी आएगी जो वेयर हाउस में काम करते हैं, ठीक है, वेयर हाउस में इंश्योरेंस लोगे आप, ये चीज़ें होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ जाए। फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी है तो प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लेंगे, फैक्ट्री की कॉस्ट निकल जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अगला आ गया कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, सेल में क्या कॉस्ट लगी, तो ये आ गया सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
आपको एक प्रोडक्ट बनाने से लेके सेल तक कितना खर्चा आया उसकी कॉस्ट निकालने का ये फार्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग एंड ओवरहेड एडजस्टमेंट्स। तो दोस्तों इट्स जैजी साइनिंग ऑफ, विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट यूनिट। ओके, टेक केयर।